नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गांजा, 3 गिरफ्तार। जिले की करेड़ा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर थाने के बाहर नाकाबंदी के दौरान लग्जरी कार से 9 किलो 900 ग्राम गांजा पकड़ा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और कार को जब्त भी किया। थाना अधिकारी सुरेंद्र गोदारा ने बताया कि करेड़ा थाने के बाहर नाकाबंदी के दौरान बेमाली चौराहे की ओर से आई एक सफेद रंग की लग्जरी कार को रोका और उनसे पूछताछ की तो उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो गाड़ी की तलाशी ली और गाड़ी में एक कट्टे में अवैध गांजा मिला जिसका वजन 9 किलो 900 ग्राम था। गाड़ी में 3 लोग सवार थे जिस पर पुलिस ने गजेंद्र गुर्जर निवासी संगणी थाना शंभूगढ़, मदन लाल गुर्जर निवासी चोटियास बदनोर, प्रकाश गुर्जर निवासी मैंफलियास थाना आसिंद को गिरफ्तार कर कार और गांजे को जब्त किया। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु कल शाम को पुलिस थाना करेड़ा की टीम के द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान एक एक्सयूवी 5 डबल ओ गाड़ी आई जिसको रुकवाया गया। 3 लोग सवार थे। पूछताछ की गई तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जब गाड़ी की तलाशी लेके अंदर देखा तो एक कट्टे में कुछ सामान भरा हुआ था। जब उसको खोल के देखा गया तो वो अवैध गांजा होना पाया गया, जिसको जब्त किया गया। एनडीपीएस में प्रकरण दर्ज किया गया और 3 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेगी और इस प्रकार से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और उसमें लिप्त लोगों के खिलाफ हम लगातार